विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी आग बबूला है और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और आज दिल्ली में राहुल गांधी का आवाज घेरने के लिए इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है ओबीसी मोर्चा के, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के, वो इसी तरीके से जा रहे हैं। मेरठ शहर में भी कई पॉइंट्स पर इसी तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और उसके बाद सभी लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जो बड़ा धरना प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन है वो होने जा रहा है और उसी को लेकर ये लोग तमाम, आप देखिए किस तरीके से जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, आप ये देखिए किस तरीके से जो नारेबाजी है वो यहाँ पर चल रही है और लगातार ये लोग राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनके बयान को लेकर आप देखिए किस तरीके से जो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये आंदोलन पिछले कई दिनों से इसी तरीके से चल रहा है और आज दिल्ली में राहुल गांधी का जो आवास है वो घेरने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं सुरेश जैन ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। देखिए इस समय पूरे ओबीसी समाज के अंदर, पूरे पिछड़ा वर्ग के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल है कि सबको ये लगता है ये कांग्रेस पार्टी है क्या। अगर हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें, देखिए स्वतंत्रता संग्राम से पहले और बाद में जब सत्ता रूढ़ हुए उसके बाद में बिल्कुल बदल गए। जब नेहरू आए तो काका केलकर की रिपोर्ट आई, उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा के बल्कि उसके फेवर में ना करके बल्कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को उसके विरोध में पत्र लिखे। बाद में इंदिरा गांधी आई, उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा दिया। और इनके पिता जो अपने राहुल गांधी है, इनके पिता राजीव गांधी, उन्होंने तो संसद के अंदर इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य कितने घंटे दिया। और राहुल गांधी, वैसे आप देखिए, आप चुनाव हुआ, अभी जब चुनाव हुआ तो एक संविधान की किताब को लेकर वो कैसे घूमते रहे, जैसे बाबा अंबेडकर के बहुत बड़े वो पुजारी हैं, इसकी जितनी धारा है, उपधारा है, उसकी कितने रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। और वही लोग, वही राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, वैसे तो उनका इतिहास ये है, जब भी वो विदेश में जाते हैं तो भारत देश की उज्जवल छवि को ऐसा धूमिल कर आते हैं जिसको हम शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते। अभी भी वो ताजा ताजा देखे, हमारे ऐसे लोगों से भी मिले जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, आग उगलते हैं, और वो उनसे मिले जो प्रतिबंधित है, ऐसे लोगों से मिले। और आप देखिए आरक्षण के ऊपर उन्होंने कह दिया कि साहब ये जो ओबीसी का जो आरक्षण है समय आने पर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब समय तुम तय करोगे, लोकतंत्र के अंदर समय पब्लिक तय करेगी, जनता तय करेगी। आज ये ओबीसी जो वर्ग है जिसे एक न्याय मिला हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये न्याय न जाने कितने उन्होंने योजनाएं चालू की है, इनको न जाने कितनी जगह उन्होंने आरक्षण दिया है। और आज राहुल गांधी जो अपने आप को ऐसा मानने लगे कि जो मैं कहूंगा शायद वही होने वाला है। क्या कार्यक्रम है आज आप लोगों का? देखिए आज कार्यक्रम ये है, पूरे जैसा आपने बताया बहुत सारे केंद्रों से यहाँ पर ओबीसी, केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो उसका नेतृत्व कर रही है, लेकिन यहाँ पर पूरा ओबीसी समाज जितने भी इसके वर्ग में आते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा आक्रोशित है और वो सब भारी संख्या में राहुल गांधी को, पूरे देश के लोग राहुल गांधी के आवास को आज घेरने जा रहे हैं और वहां पर ये संदेश देंगे कि राहुल गांधी जो आप ये होश में हो और इससे क्षमा मांगो, आपने जो वहां पर बयान अमेरिका के अंदर दिया है और हमारी छवि को खराब किया है। ठीक है, हरवीर पाल जी हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, सर आपसे जानना चाहूंगा कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें? आज मेरठ जिले से ही कई हजार की संख्या में और गाजियाबाद महानगर, गाजियाबाद जिला, नोएडा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, आसपास के सभी जिलों से ओबीसी मोर्चा भारी तादाद में यूपी गेट पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी की आवाज को घेरने का काम करेगा। और जो राहुल गांधी जी ने अमेरिका के अंदर आरक्षण विरोधी बयान दिया था वो बयान उन्हें वापस लेना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगते हैं? नहीं मांगते तो हम आंदोलन रहेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगते हमारा आंदोलन चलता रहेगा। महानगर अध्यक्ष हैं विनोद उपाध्याय। विनोद जी, देख रहा हूँ कि तमाम लोगों से आप फोन पर बात कर रहे थे, तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तो आज एक बड़ा रैला जा रहा है दिल्ली की तरफ? आज मेरठ महानगर से बहुत अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है राहुल गांधी को होश में लाने के लिए, उनका आवाज घेरने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी के नेतृत्व में वहां प्रदर्शन करेंगे और जो आगे की रणनीति होगी, जो भाजपा पार्टी बनाएगी ओबीसी वर्ग के लिए, उसी पर हम काम करेंगे। और हजारों की संख्या में आज हम यहाँ जा रहे हैं। मोदी सरकार
देखो कितना काम कर रही है। 27% पहली बार नीट में आरक्षण आदरणीय मोदी जी के उसमें दिया है। जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दे करके ओबीसी का सम्मान कहीं ना कहीं मोदी जी ने बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में भी माटी कला बोर्ड जो है पिछड़ों को ऊपर बढ़ाने के लिए उसका कार्य किया है। तो ऐसे भाजपा पिछड़ों के लिए काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत की छवि धूमिल करके और आरक्षण को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम आक्रोशित हैं। हजारों की संख्या में आज कूच कर रहे हैं राहुल गांधी का आवाज घेरने के लिए। इसके बाद कोई और आंदोलन? अभी जैसा निर्देश होगा अभी तक ये आंदोलन है। इसके बाद यदि कोई आंदोलन प्रदेश से पार्टी तय करेगी उसको हम पुरजोर से करेंगे। अच्छा, पुरजोर तरीके से करेंगे? पुरजोर तरीके से। क्या बात है, लड़ाई आर पार की है क्या? बिल्कुल, लड़ाई आर पार की है। उनको तो माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं माफी मांगेंगे तो ओबीसी वाले उनको अपने आप माफी मांगने पे मजबूर कर देगा, उन्हें उसमें अपने आप ला देगा। बाकी बड़े गुस्से में है तमाम लोग। हाँ, सभी लोग बहुत पिछड़े समाज के लोग बहुत गुस्से में है और ये आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी माफी मांगे, यही मांगे? बिल्कुल मांगे। राहुल गांधी माफी मांगे इस बात के लिए जो पिछड़ों के लिए उन्होंने कहा है, और वो यानी कि हितैषी कौन है कौन नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से ओबीसी मोर्चा के बैनर तले यहाँ से मेरठ के जो क्षेत्रीय कार्यालय हारमन सिटी और शहर के अलग अलग ऐसे कई पॉइंट हैं कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन बड़ा होगा, कड़ा होगा और लड़ाई इस बार आर पार की होगी। सनीत शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.